नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बस्ती बस्ती नगरी नगरी, आपके साथ मैं हूं शिल्पी। और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, बिहार की हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि शराब बेचना, रखना या फिर पीना सब बंद है। और सूबे के सीएम नीतीश कुमार इस शराबबंदी को एक, जिस तरह से हम देखते आए हैं, एक सियासी मुहिम भी लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन अब नीतीश के अपने नेता ही उनकी इस मुहिम पर पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो में जो दिख रहे शख्स हैं वो जेडीयू के पूर्व एमएलए ललन राम का है वीडियो। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दरअसल ललन सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ बियर पीते हुए दिख रहे हैं। आप लोग है पुराना खिलाड़ी, ये तो ठंडा के चलते इतना पी लिए, चलिए सर ठंडा नया खिलाड़ी। तो अब दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो शराबबंदी लागू होने के बाद का है। नशे में वो शराबबंदी के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं, बड़ा खतम आदमी है। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश ने जो भी किया ये फिजूल का कदम है। बिहार में बंद कर दिए, बात खत्म हो गया। झारखंड में काम चल रहा है, हम लोग बॉर्डर पे ही इतना आदमी सब पलायन कर गया, बिहार का आदमी कहां से काम होगा। तो ललन यही नहीं रुकते, वो ये भी कह रहे हैं कि वो जहां है नीतीश के दम पर नहीं है, कोई नहीं। उनको कह रहा लगता है कि हमें करना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। काहेला जीतू की समर्थन कर रहे हैं बताइए। तो ललन का ये भी कहना है कि वो बाहुबली हैं और उसी की वजह से वो यहां तक पहुंचे। सबक ले अंदाज, अब हमारा मन होगा तो हम लागू करेंगे, ना मन होगा तो लागू नहीं करेंगे। अब जाएंगे तो नहीं बन, यहाँ जाएंगे हाँ, इनका कोई फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए समझ रहे मेरा बात, इतना बहुत है बोला है। अच्छा बोला पिए थे जना, इनका दौड़ ना, ये वो इनका काफी है ना है। तब दू को एक हम ले लिए पहले ही, तो हमारा इतना बहुत ज्यादा है। दू को कुछ ही ज्यादा है आपको, देखिए हम लोग है नया आदमी, आप लोग है पुराना खिलाड़ी, आप लोग कुछ ज्यादा है। तो आपको बताते हैं कि ललन राम दरअसल हैं क्या, हैं कौन, जेडीयू नेता हैं वो। 2010 में औरंगाबाद के कटुम्बा से एमएलए थे ललन राम, जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो 2010 में औरंगाबाद के कटुम्बा से वो जीते, जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव जीते। और इस तरह से अब इनका ये वीडियो सामने आ रहा है शराबबंदी के बाद। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने नीतीश की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। बीजेपी का ये कहना है कि शराबबंदी के अभियान के नीतीश के लोग ही हवा निकाल रहे हैं। वहीं जेडीयू डिफेंसिव मोड पर है। पार्टी का ये कहना है कि जब इस बारे में सारे तथ्य आ जाएंगे तो आगे की कार्रवाई होगी। तो वीडियो सामने आने के बाद अब ललन की तरफ से भी सफाई आई है। उनका ये कहना है कि कोई जानबूझकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। ये भी कहा कि ये कट पेस्ट का मामला लगता है। ललन ने यह भी कहा है कि वो नीतीश के भक्त हैं और सीएम को उन पर विश्वास है। ललन ने यह भी कहा है कि वो तो शराबबंदी का प्रचार कर रहे हैं। तो जिस तरह से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब बेची नहीं जा सकती, रख नहीं सकते, पीना भी बंद है, लेकिन उसके बाद इस तरह का यह वीडियो सामने आता है। और वीडियो भी नीतीश कुमार की ही पार्टी के हैं, ललन कुमार। तो सवाल यही है कि उन्हीं की पार्टी के लोग इस मुहिम पर पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। बड़ा खतम आदमी है। और इस बीच बिहार सरकार शराबबंदी कानून को और कड़ा करने की भी सोच रही है। सरकार शराब रखने के अपराध को भी नॉन बेलेबल बनाने जा रही है। नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि इसके तहत गिरफ्तार लोगों की सुनवाई कम से कम सेशंस कोर्ट में तो हो। अभी इस तरह के मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेटेड कोर्ट में ही होती है। ये भी कहा जा रहा है कि 29 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में इस पर संशोधन प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम, खबर यूपी के कानपुर से आ रहे हैं। यहां पर आयकर विभाग की टीम शहर के बिरहाना रोड स्थित पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के मालिक राजेश गुप्ता, एनआरआई सिटी के मालिक एसके पालीवाल मालिक और
सर रॉयल पान मसाला के मालिक ओम प्रकाश डालमिया और श्री प्रकाश डालमिया के घर और ऑफिस में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इन कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई है। अब फिलहाल आयकर विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ इनके ठिकानों पर डेरा डाले हुए है। तो आईटी अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई है करोड़ों की कर चोरी। मोहम्मद उजैर है हमारे साथ खबर पर। मोहम्मद उजैर, ये बताइए कि क्या छापेमारी अभी तक चल रही है, कहां कहां पर हो चुकी है और साथ ही अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, छापेमारी की कार्रवाई अभी तक के जारी है। एक तो इसमें कानपुर का एक बड़ा सिंडिकेट है, उस पूरे सिंडिकेट पे इन्होंने छापा मारा है। इसमें जो बड़े बड़े नाम है उसमें पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के मालिक है राजेश गुप्ता जी, और एक जो NRI सिटी कानपुर में बसा है उसके जो बिल्डर्स हैं इसके पालीवाल और सर रायल, ये लोगों के यहाँ जो है छापामारी हुई है। और उसके बाद पान मसाले वाले जो हैं, जिसमें एक रायल पान मसाला निकलता है और एक सर मसाला निकलता है, इनके मालकान के यहाँ जो है ओम प्रकाश डालमिया और श्री प्रकाश, इनके इनके साथ जो है आधा दर्जन और लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई अभी तक के जारी है और जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो पता लग पाएगा कि इसमें कितने की कर चोरी पकड़ी जा चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, यूपी के बरेली जिले से है। यहां पर राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के MBBS के फर्स्ट ईयर के एक छात्र का शव पंखे से लटका मिला। मृतक छात्र का नाम यश बताया जा रहा है। छात्र की मौत के बाद कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और इधर यश की मौत की खबर सुनते ही परिवार वाले भी सदमे हैं। मृतक छात्र अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। यश के पिता पेशे से दवा व्यापारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और आत्महत्या के कारणों को तलाशने में जुटी है। MBBS के छात्र ने किया सुसाइड या हुई हत्या, कब सुलझेगी छात्र की मौत की गुत्थी? ये है बरेली का श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, जो कई बार पहले भी छात्रों की आत्महत्याओं के कारण सुर्खियों में आ चुका है। इस बार भी कॉलेज छात्रावास में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। MBBS के फर्स्ट ईयर के एक छात्र का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। मृतक छात्र का नाम यश बताया जा रहा है। छात्र की मौत के बाद कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। इधर यश की मौत की खबर सुनते ही परिवार वाले भी सदमे में हैं। परिवार वालों के मुताबिक उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा था, वहीं उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, लिहाजा वो आत्महत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं कि उसे, हमें कहीं से भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कभी सुसाइड कर सोच सकता, कभी भी कोई नहीं, बिल्कुल वो बढ़िया हसपुस था, मेरा एक ही बेटा है। इधर कॉलेज में छात्र की आत्महत्या से कॉलेज प्रशासन भी सख्ती में है। प्रशासन के मुताबिक छात्र ने आत्महत्या क्यों की इसकी वजहों को तलाशा जा रहा है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले में पुलिस के साथ सहयोग की बात कही है। पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और आत्महत्या के कारणों को तलाश रही है। मेरे ख्याल से एक मेंटल कंडीशन है बच्चों की। अब ये घटना है, एक बहुत दुखद घटना है मेरे ख्याल से कॉलेज के लिए, सारे जो परिजन हैं उन सब के लिए और सारे स्टूडेंट जितने भी हैं कम्युनिटी, हम सभी के लिए बहुत दुखद घटना है। इसमें क्या है वजह, क्या नहीं है, मनोदशा ऐसी है बच्चों की, जो घटनाएँ सुसाइड आ रही हो रही हैं, हम लोग पुलिस जांच करी है, अभी पुलिस के साथ ही खड़े हुए हैं। हमने भी पुलिस से पूछा है, वो जो मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम में भी होगा, स्थिति और क्लियर होगी, सबके सामने आएगी। बरेली के श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में छात्र की आत्महत्या ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन छात्रों को कॉलेज में ऐसा कौन सा मानसिक तनाव हो रहा है जिसके कारण वे मौत को गले लगा रहे हैं। सवाल ये भी है, आखिरकार यश की मौत की गुत्थी कब और कैसे सुलझेगी? बरेली से सुबोध मिश्रा, इंडिया 24/7। और आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार को हटाने की प्रक्रिया को अब संवैधानिक करार दिया और कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
It just shows. It just shows the lack of respect for the court. I mean, normally, if the Supreme Court of India has rendered a verdict, and that also five judges of the Supreme Court, right, in a historic hearing, then I think all parties concerned must respect that verdict. If someone says governments are formed by majorities, not by court verdicts, I think it's a very unfortunate comment, and I am sure that those who are supporting Kalikofool, namely the BJP, will actually reprimand him for this comment. Sir, in the wake of today's judgment, what will be your party's message to Kalikofool led your party's rebel MLAs who have been running the government? Because, as I said, the situation reverts back to 15th of December, right? Everything else thereafter is irrelevant. Now on 15th, now when the session meets, then we will see what happens. But what will be your political message to your own rebel? Political message is you are part of our family. ये तो आप हाउस तय करेगा भाई, आप कहोगे कोई राज्य पार्टी, वही अगर मैं तय करूं कि भाई असेंबली क्या करेगी, वो भी एक संविधान का उल्लंघन होगा, ठीक है ना? अब तो तय करेगा, सरकार तय करेगी, तुकी साहब तय करेंगे। आई जस्ट कम टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सभी। तो जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आज अहम फैसला सुनाया और उसमें बीजेपी को कड़ा झटका लगा और उसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जिसमें लाखों का घपला हुआ है, जिसमें एक आरोपी ने मौत को गले लगा लिया है। मामला बदायूं के प्रधान डाकघर का है। एटीएम कार्ड देने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जांच टीम गठित की गई, इस पर केस भी दर्ज हुआ, कार्रवाई भी हुई, लेकिन एक आरोपी की खुदकुशी के बाद अब मामला गंभीर हो रहा है। बदायूं के इस डाकघर में लाखों का घोटाला सामने आया है। घोटाले का खुलासा होते ही बरेली तक हड़कंप मच गया। मामले ने और तूल तब पकड़ा जब एक आरोपी ने जांच टीम से पूछताछ के बाद खुदकुशी कर ली। आरोपी कर्मचारी ने जांच टीम से सवाल जवाब के बाद मौत को गले लगाया है। ऐसे में आरोप लग रहा है कि मानसिक शोषण के बाद डाक कर्मचारी ने खुदकुशी की है। शाम के टाइम दो साथी इनके ले गए थे कहीं को और फिर लाए हैं, जो पोस्ट ऑफिस में जो घोटाला का मैटर है उसको लेकर के इन पे कोई ऐसे दबाव बनाया होगा, इस तरह से मुझे लग रहा है। तो जो है कि इस तरह से इन्होंने कुछ इस तरह से तंग आके जो है और जो है इन्होंने सुसाइड किया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर घोटाले की जाँच कर रही है। तीन डाक कर्मचारी निलंबित है। बदायूं के डाक अधीक्षक को बरेली से अटैच कर दिया गया है। डाक विभाग में चोरी और धोखाधड़ी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में सनत गुड़वा जो सहायक अधीक्षक हैं डाकघर, इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत दो लोगों के खिलाफ कराया था। इसमें एक जांच चल रही थी और अभी तक जो सूचना मिली है कि उसमें सचिन वर्मा नाम का कोई कर्मचारी था, आज सुबह वो उसकी डेड बॉडी मिली है और घर वालों द्वारा बताया जा रहा है उन्होंने सुसाइड किया है। पुलिस द्वारा पंचनामा भर के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बदायूं के प्रधान डाकघर में ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम लगाया गया है। पहले डाक कर्मचारियों के लिए एटीएम कार्ड जारी किए गए थे, उसके बाद ग्राहकों के लिए भी एटीएम कार्ड दिए गए। 8 ग्राहकों के लिए एटीएम कार्ड जारी भी किए गए, लेकिन उसके बाद ये घोटाला सामने आया। जांच की गई तो लाखों का घपला सामने आया। रिकॉर्ड में एटीएम का पूरा चढ़ा हुआ होगा, तो कितने एटीएम गायब हुए हैं? अभी कह नहीं सकते, अभी ये तो 6 का शायद आया अभी प्रथम, उसमें अभी और जांच चल रही है। अभी 4 लाख समथिंग जो अभी हमारे स्क्वाड ने बनाए, 4 लाख समथिंग की रिपोर्ट दिया। फिलहाल डाक कर्मचारियों में हड़कंप बचा हुआ है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस घोटाले के तार कहां कहां जुड़े हैं और घोटाले के सुसाइड कनेक्शन का सच क्या है। खालिद रियाज, इंडिया 24/7, बदायूं। और आगे बढ़ते हैं। अब 13 तक की गिनती ना सुना पाने पर एक पिता को अपनी 6 साल की बेटी पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसके मुंह में प्याज ठूंसकर उसे जान से मार डाला। हैरान कर देने वाली यह वारदात है औरंगाबाद के नजदीक बालापुर गांव की।
चिकल थाना थाने की पुलिस ने बताया कि राजू कुटे को बेटी भारती की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिता के कहने पर भारती ने 1 से 12 तक की गिनती तो सुनाई, लेकिन उसके बाद वो लड़खड़ा गई, जिससे राजू को गुस्सा आया और इतना ज्यादा कि अपनी बेटी को इस तरह से मार दिया। गुस्सा जो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है, क्या देखा है तूने? शट अप, गुस्सा जो आपको आपके ही परिवार से दूर कर सकता है। कहते हैं एक पल का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। गुस्से पर अगर आपका कंट्रोल छूट जाए तो परिवार का परिवार तबाह हो सकता है, और यही गुस्सा भारी पड़ा एक पिता पर, एक माँ पर, क्योंकि इस गुस्से के कारण महज 6 साल की एक बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने गुस्से में अपनी 6 साल की बच्ची के गले में प्याज घुसा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चिकल थाने की पुलिस के मुताबिक राजू कुटे को बेटी भारती की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिता के कहने पर भारती ने 1 से 12 तक की गिनती सुनाई, लेकिन उसके बाद वो लड़खड़ा गई, जिससे राजू को गुस्सा आ गया। वो इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने अपनी बेटी के मुंह में प्याज ठूस दिया, जिससे लड़की का दम घुट गया। हद तो तब हो गई जब राजू ने अपनी बेटी का शव पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। भारती की मां सुवर्णा की शिकायत पर राजू को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेटी भारती की मौत के बाद मां सदमे में है और पिता सलाखों के पीछे। एक पल के गुस्से ने इस परिवार की खुशियां छीन ली। इस परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और वही अंधविश्वास किस हद तक हमारे समाज को जकड़ चुका है, इसका नमूना मध्य प्रदेश के डिंडौरी में देखने को मिला है। यहाँ सांप के काटने के बाद 2 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इन मरीजों के परिवार वालों ने झाड़ फूंक के लिए अस्पताल में ही तांत्रिक को बुला लिया। और फिर क्या था, सांप का जहर उतारने का दावा करने वाला तांत्रिक करीब 3 घंटे तक झाड़ फूंक करता रहा। जिला अस्पताल में ही तंत्र मंत्रों के जरिए सांप का जहर उतारने की कोशिश चलती रही। हैरत की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने इस तंत्र क्रिया को रोकने की कोई कोशिश नहीं की और पूरा स्टाफ किनारे खड़े होकर चुपचाप अंधविश्वास का नाटक देखता रहा। वहीं 2 मरीजों को झाड़ते फूंकते इलाज करते हुए तांत्रिक बार बार दावा कर रहा था कि उसके तंत्र मंत्रों से मरीज ठीक हो जाएगा। हालांकि खुद तांत्रिक इन मरीजों के ठीक होने की गारंटी लेने से साफ इनकार कर देता है। और इधर सिविल सर्जन इस नौटंकी को अंधविश्वास तो बता रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में इन मरीजों के झाड़ फूंक करने की इजाजत किसने दी, इसका जवाब उनके पास है। तभी झाड़ फूंक करवा रहे थे ना जी, कैसे उससे कुछ आराम मिल रहा? झाड़ फूंक पंडा कहाँ से बुलवाए थे? हमने बुलवाए थे। कौन लेके आया था उसको? सर्वस के मरीजों को उपचार एलोपैथी गलीगल जो होता है करते हैं हम लोग पूरा पूरा, लेकिन इसके उपरांत भी ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इसमें कुछ परिवर्तन उनके अंधविश्वास हैं जिनके इतनी जड़ें गहरी हैं कि उनको हटाने में अभी और समय लगेगा, कम से कम आने वाले 10-20 साल और भी लग सकते हैं। वो झाड़ फूंक करा के अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं हम। और दूसरी अंधविश्वास की अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की की सांप के काटने से मौत हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी लाया गया, लेकिन वहां ले जाने से पहले एक शख्स ने लाश को रोक लिया, उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगा और घंटे भर तक मरी हुई लड़की को जिंदा करने का यह खेल अंबिकापुर अस्पताल के बाहर चलता रहा। दरअसल प्रीति मिंज नाम की लड़की को कोबरा सांप ने काट लिया था। लड़की को अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लड़की की मौत को 15 घंटे हो गए थे, कुछ ही देर में उसका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन तभी शिवप्रसाद नाम का झाड़ फूंक करने वाला अस्पताल पहुंचा, लड़की को जिंदा करने की कोशिश करने लगा। झाड़ फूंक से जब वो नाकामयाब हुआ, उसके बाद जाकर आखिरकार परिवार ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाया।
देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। यूपी की बात करें, यहां के तमाम इलाकों में पानी कहर बनकर टूटा है। बांदा में सैकड़ों परिवार बाढ़ के चलते बेघर हो गए हैं। केन नदी में आई बाढ़ ने लोगों के आशियाने यहां उजाड़ दिए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें देखकर साफ है कि किस तरह से बाढ़ के चलते लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं और जो बचे भी हैं उनमें दरारें आ गई हैं। रहने लायक घर नहीं बचे हैं, बच्चे जमीन पर पड़े हैं। बाढ़ के बाद अब चारों तरफ यहाँ गंदगी है, कीचड़ है, और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं। खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ नदी यहाँ से लगा के यहाँ से काफी तो गांव में घुस गई पूरी नदी। घर मकान सब गिर गए, लड़का बच्चा दाना जुगू से सब भी खराब हो गया, पन्ना कपड़ा। बाढ़ आ जाती है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, गल्ला पानी जो उन सब बह जाते हैं। भूखे पिया से लड़का बच्चा मरा था, भूखे पिया से हम भी रहते हैं दो दो चार चार दिन यहाँ पे। और वही स्वास्थ्य महकमे का दावा यह है कि उनके पास बीमारी की कोई सूचना नहीं और प्रभावित लोगों को जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। ह्यूमिडिटी होती है, जैसे इसमें ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर है, तो ऐसे माहौल में ऐसे परिस्थिति में मच्छर के लिए कोई फॉगिंग वगैरह नहीं की जाती है, तो व्यक्तिगत बचाव का ही साधन इस्तेमाल करें कि या तो मलेरिया आयल लगा लें या तेल लगा लें लोग, या फिर मच्छरदानी का प्रयोग कर लें। नहीं ना कुछ हो तो कम से कम मुंह ढक के, ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन तब भी हमने अपने वर्कर्स को ये सूचित कर रखा है कि आप वहाँ पर जितने भी बुखार के पीड़ित लोग हैं उनकी स्लाइड बनावे और चार ग्लोरिन गोली ग्लोरिन की सबको दे दें। ज्ञानेंद्र शर्मा है हमारे साथ इस खबर पर। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें अपने आप बोल रही हैं और स्वास्थ्य महकमा कुछ और ही बोल रहा है। ये बताइए कि इनके सुध लेने वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ दलील ये दी जा रही है कि उन्हें इस चीज की सूचना भी नहीं है, लेकिन जो दवाएं हैं वो आखिर फिर जा कहां रही हैं? वो ये तो कह रहे हैं कि प्रभावित लोगों को जरूरी दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन वो दवाइयां जो सुविधाएं हैं वो आखिर जा किसके पास रही हैं? देखिए सिंपी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि इसी बात से अंदाजा लगाया सकता है कि जिले का सीएमओ ये कह रहा है कि मुझे जानकारी ही नहीं है कि महामारी फैल कहां रही है। अगर जिले के सीएमओ को ये जानकारी नहीं है कि महामारी फैल कहां रही है तो दवाएं कहां भिजवा रहा है? और फिर ये जो प्रभावित लोग हैं ये बेचारे पानी में भीग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बाढ़ की स्थिति थी, बाढ़ के बाद, बाढ़ कम होने के बाद जिस प्रकार ये महामारी फैल रही है, लोगों को दवाओं की जरूरत थी। जब दवा पहुंच ही नहीं रही, इनको जानकारी नहीं, दवाएं पहुंचेंगी कैसे जब इनको जगह की पता जानकारी नहीं कि भाई किस जगह महामारी है। जब हमने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने साफ साफ ये कहा। जी जी, चलिए, शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस जानकारी के लिए आपका।